वाईएस जगन मोहन रेड्डी की 31वें दिन की प्रजा संकल्प यात्रा कल रविवार को जिले के कोंडरू गांव के पास समाप्त हो गई थी। जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा शिंगम नला निर्वाचन क्षेत्र के मांतागढ़ गांव के आरंभ हुई थी। प्रजा संकल्प यात्रा के दौरान आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए जगन ने कहा कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के विशेष दर्जे को हासिल करने के बजाय केंद्र को बेच दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने शासनकाल में किए गए एक भी आश्वासन को पूरा नहीं कर रहे हैं। जगन ने लोगों को चंद्रबाबू से सावधान रहने का आग्रह करते हुए कहा कि यदि यह व्यक्ति दोबारा मुख्यमंत्री बनता है तो नए ढंग से लोगों के साथ धोखा देगा। आपको बता दें कि कल जगन मोहन रेड्डी ने 15 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। जगन ने अब तक 437 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है।